जिन छात्रों ने उत्तर प्रदेश आईटीआई एडमिशन के सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लिया है और अपनी ट्रेड या कॉलेज चेंज करने के लिए अप्लाई किया है, तो उन्हें कब पता चलेगा कि उनका कॉलेज चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, और कैसे पता चलेगा कि उनको चेक कैसे करना है कि उनका कॉलेज चेक जो है चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। आज इस वीडियो में आपको यही जानकारी दूँगा। मैं सत्येंद्र कुमार गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज में टीचर हूं और आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई 360 डिग्रीज में। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी छात्रों से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट अभी आई नहीं है, संभावित डेट मैं आपको बताऊँगा, थर्ड मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो क्या आपको ट्रेड और चेंज करने के ट्रेड और कॉलेज चेंज करने के लिए जो है मौका मिलता है या नहीं है मिलता है? यदि आपको पता है तो या आप यस सर बोल सकते हैं, यदि आपको नहीं पता है तो आप बोल सकते हैं कि सर बताइए हमें नहीं पता है, तो उस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। जिनका थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आता है उनको कॉलेज या ट्रेड चेंज करने का मौका मिलता है या नहीं मिलता है, अगर आप बोलेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। और आज इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ जो सेकेंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लिए हैं, सेकंड मेरिट लिस्ट में जिनका एडमिशन हुआ है कॉलेज और ट्रेड चेंज करने के लिए अप्लाई किया है, उनको कब पता चलेगा उनका कॉलेज और ट्रेड जो है वो चेंज हो गया है। तो ऐसे छात्र जिनने सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लिया है और कॉलेज ट्रेड चेंज करने के लिए अप्लाई किया है, उनको जो है वो थर्ड मेरिट लिस्ट का जब रिजल्ट आएगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट आ गई है, उसी समय उच्चीकरण का परिणाम जो है वो आएगा, उसी समय जो है वो चेक कर पाएंगे कि उनका ट्रेड या कॉलेज चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है। और चेक कैसे करना है, चेक उच्चीकरण का एक लिंक आएगा, उच्चीकरण यहाँ पर आप देख सकते हैं उच्चीकरण है, उच्चीकरण का एक लिंक आएगा, उच्चीकरण का परिणाम, तो उस परिणाम वाले लिंक पर क्लिक करेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ और साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे तो उनका जो है रिजल्ट आ जाएगा। और अगर कॉलेज चेंज हो गया होगा, ट्रेड चेंज हो गई होगी, या कॉलेज ट्रेड दोनों चेंज हो गई होगी, या कुछ नहीं चेंज हुआ होगा, तो उसको मैं आगे आपको बताऊँगा कि आपको क्या करना है। तो आशा करते हैं जिन छात्रों ने सेकंड मेरिट लिस्ट में एडमिशन लिया है और उनका जो है फ्लोट पे टिक किया है तो उनका रिजल्ट कब आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट के साथ उनका रिजल्ट आएगा। चेक कैसे करना है, उसी में एक लिंक आएगा उच्चीकरण का परिणाम, तो उस पर क्लिक करके चेक करना है। अब जो छात्र थर्ड मेरिट लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी तो उसमें अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको ट्रेड या कॉलेज चेंज करने के लिए अप्लाई करने का मौका मिलता है नहीं मिलता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। साथ में आप लोग ज़्यादा मात्रा में कमेंट करेंगे तो मैं ये भी बता दूंगा कि थर्ड मेरिट लिस्ट की संभावित डेट क्या है। आशा करते हैं जिन छात्रों का एडमिशन नहीं हुआ है वो छात्र बिल्कुल भी निराश ना हो, मैं पूरा मार्गदर्शन आप लोगों के लिए देता आ रहा हूँ। जिन छात्रों ने फॉर्म में करेक्शन नहीं किया, करेक्शन कर लें, आज लास्ट डेट है करेक्शन की, इसके बाद जो है फॉर्म में करेक्शन नहीं होगा। आशा करते हैं कि आप लोग सारी चीज़ें समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।